सौंदर्य के साथ बौद्धिकता के समागम के साथ अग्रवाल महासभा रामबाग द्वारा वाटर बॉक्स स्थित होटल में करवा चौथ व डांडिया उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें महासभा की सखियों ने उत्साह व उमंग के साथ विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि व समाज सेवी संगीता अग्रवाल रही। अध्यक्ष निशा सिंगल ने अतिथियों का स्वागत करते हुए सभी सखियों को करवा चौथ उत्सव के लिए शुभकामनाएं दी। करवा चौथ क्वीन के लिए सोलह सिंगार के साथ रचनात्मक व भारतीय संस्कृति व परंपरा से जुड़े सवालों के लिए अपनी बौद्धिकता का लोहा बनवाया। मस्ती और उमंग के साथ सभी सखियों ने उत्सव को खूब एंजॉय किया। रेनु गोयल डांडिया क्वीन, चंचल अग्रवाल करवा चौथ क्वीन, लकी ड्रॉ ग्रीष्मा अग्रवाल, पंचुअलिटी विनर प्रियंका अग्रवाल व गेम में कृष्णा अग्रवाल ने बाजी मारी। उपहार के रूप में सुहाग सामग्री व पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के संदेश के साथ गुलमोहर पीपल नीम जैसे पौधे भेंट किए गए। संगीता अग्रवाल नाम है मेरा। ये इन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम करा है, सब महिलाओं को जोड़ा है, 150 महिलाओं को जोड़ा है, और जो अभी अपने घर से नहीं निकली थी उनको एक मस्ती करने का, अपनी मन की बातें रखने का एक अच्छा मौका दिया है। ऐसे प्रोग्राम होते रहें जिससे महिलाएं अपने घर से निकलें, अपने मन की जो भी उनकी इच्छाएं हैं उसको पूरा करें। ऐसे महिलाएं बहनें जिनकी मैरिज हो गई है सबने व्रत रखा है, सुहाग का व्रत है, और कल सभी बहनों ने पूरे हिंदुस्तान में जो भी अपने हिंदू धर्म की बहनें हैं सबने बहुत धूमधाम से सर धज के 16 श्रृंगार करके अपना व्रत रखा है और रात में व्रत खोला है। आज उसी करवा चौथ के उपलक्ष्य में डांडिया का प्रोग्राम रखा है, तो जो डांडिया का रखा है इसमें उन्होंने कुछ कंपटीशन भी रखे हैं। अब देखते हैं कौन से कंपटीशन में फर्स्ट सेकंड आती हैं और उनको भी उपहार। ये करवा चौथ के उस पर ही एक आयोजन इन लोगों ने रखा हुआ है। इसमें बहुत अच्छा किया हुआ है इन्होंने कि जो लोग दो लेडीज अपने घर से नहीं निकली हैं वो पहली बार यहाँ निकल रही हैं, उन्हें अच्छा मौका दिया जाए। यहाँ डांडिया हो रहा है और ये कॉम्पिटिशन्स भी रखे हुए हैं इन लोगों ने, बहुत अच्छा काम हो रहा है। निशा सिंगल, आज हमने करवा चौथ डांडिया और कुछ मातृशक्ति हमारी है जो संगठन से जुड़ी हैं, जो सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक से, उनको सम्मानित करेंगे। उनको रंगारंग कार्यक्रम है, करवा चौथ कल निकल के चुका है। भारतीय संस्कृति का प्रमुख त्यौहार है करवा चौथ का कार्यक्रम, डांडिया प्रमुख रहता है जिसमें। आज बहुत सारे कार्यक्रम है, डांडिया है और पर्यावरण को संदेश देते हुए हमने यहाँ पे सभी को पेड़ पौधे बांटे जाएंगे, डांडिया स्टिक दी जाएगी, स्वार चिन्ह वो दिए जाएंगे और बहुत सारे इंजॉयमेंट है और डांडिया खेला जाएगा। और जो भारतीय परंपरा है उसका मतलब करवा चौथ का कार्यक्रम रहता है, अपना अटूट विश्वास है, संस्कृति है और भारतीय पहचान है और प्रमुख त्यौहार रहता है हमारा, हमारी महिलाओं के लिए, तो वो यहाँ पे मनाया जा रहा है। जो घर पे मनाते हैं सब लोग मनाते हैं, लेकिन क्या है सिंगल सिंगल फैमिली हो चुकी है, उस चक्कर में क्या है कि हमारे संगठन जो निकल के आते हैं सबको इकट्ठा करा जाता है तो अच्छा लगता है। अपने संस्कृति को बचाए हुए रखे हुए हैं और आगे से सब लोग कार्यक्रम करते हैं और अपनी संस्कृति को बचाते हुए ऐसे कार्यक्रम होते रहे। धन्यवाद देना चाहूँगी संगठनों का, इस तरह का कार्यक्रम करते हैं।